हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं का स्वागत है। मैं पनीर बना रही हूँ, तवा पनीर। तो इसे बनाने के लिए मैंने तवा का इस्तेमाल किया। इसी के लिए मैंने टमाटर लिया है, एक टमाटर, 3 से 4 काजू है, थोड़ी लहसुन की कलियाँ हैं। इसके मैंने पेस्ट बनाना है, तो बस पेस्ट बना के अलग से रख लूँगी। और फिर मैंने तवे चढ़ाया है तो पनीर, एक शिमला मिर्च छोटी सी और एक छोटी सी प्याज को लिया, उसे कट करके उसे फ्राई किया। और फ्राई करके फिर क्या करना है, हटाना नहीं, तवे से किनारे किनारे रख दी थी। और फिर इसके बाद इसमें डालनी है थोड़ी सी तेल, कड़ू तेल नहीं है, मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया। और फिर जीरा डालना है 1/2 टीस्पून और एक प्याज, इन सबको थोड़ा सा सॉटी करना है। और फिर जाएगा इसमें मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तभी थोड़ी सी भून जाए, तभी इसमें पेस्ट डाल दे, टमाटर की चूरी डाल दे। और इसे हल्का सा भूनना है टमाटर को, क्योंकि इसमें लहसुन की कलियाँ दी थी ना तो कच्ची होगी। उसमें डालिए थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये 2 से 3 मिनट भूने। जब ये भून जाए तो इसमें सारी जो पनीर है, शिमला मिर्च, इनको भी इसके साथ 2 से 3 मिनट भूने। और फिर इसमें मैंने नमक नहीं दिया था, तो इसमें देना होगा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सभी में बराबर मात्रा में नमक जा सके। तो बस ये मेरी पनीर तैयार हो गई है। इसमें जाएगा गर्म मसाला, थोड़ी सी और कसूरी मेथी डाल दें और शिमला मिर्च। बस मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी शेयर करके बताएं। थैंक यू।